हाय दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू एक आज जोहर ब्लॉग। तो आज मैं एक बहुत ही सुंदर जगह जाने वाला हूँ और वो जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए बने रहिए, क्योंकि उस जगह में चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है, मतलब आप लोग को देख के दिल खुश हो जाएगा। इस जगह में जाने वाला हूँ, तो चले मेरे साथ और उस जगह को देख कर इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करूँगा। तो चले मेरे साथ, बने रहिए। और हाँ, आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला अपडेट को आप लोग पते रहिए। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। पहुंच गया जगह में, तो देखिए वो है आई लव मुंबई। आप लोग देखिए रंगे हो गए, हिंदी से भी लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है आई लव मुंबई। तो मैं अभी मुंबई में हूँ, मुंबई का बंद्रा में हूँ। तो बंद्रा के वो एक पार्क है, उस पार्क में आया हूँ। तो आइए हम दिखाते हैं नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सामने में समुद्र भी है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग, समुद्र का नज़ारा कितना है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी मैं शाम के समय आया हूँ, तो इसलिए करीबन उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। देखिए समुद्र के उस पर बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मतलब शाम होने के कारण उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी देखिए उस पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। अभी करीबन अभी मैं शाम के समय हूँ, तो अभी समय देखने से 6:30 हो गया, ऑलमोस्ट 6:30 हो गया है, फिर भी इधर में शाम हुआ नहीं अभी तक, मस्त है यार। तो आप लोग भी कभी मौका पाते हैं तो ज़रूर आइए मुंबई, उधर में भी अच्छा से लिखा है पूरा आई लव मुंबई, देखिए उधर में आई लव मुंबई। तो मुझे भी मुंबई से प्यार हो गया है, तो चले मुंबई के जितना भी नज़ारा है मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो बनी रहिए। तो अभी शाम के समय है, तो इधर में सभी लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, इवनिंग वर्क सब कर रहे हैं। हम लोग का छोटा भाई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश हो गया है। हाय बोलो भैया। हाय। तो सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अभी शाम के करीबन 6:30 हो गया, तो सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं इधर में, देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए। तो एक्सरसाइज है तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का तकलीफ भी दूर होता है। तो गाइस सॉरी, मतलब ये जगह बंद्रा नहीं है, मही है ना भैया, ये मही है। हाँ, तो मैं ये अंकल से पूछा, तो अंकल ने बोला कि जगह का नाम मही है, मैं सोचा था कि बंद्रा है, तो अंकल ने बोला कि मही है। तो आइए आप लोग मही में भी इंजॉय कीजिए। शायद आप लोग देखे होंगे महात्मा गांधी का वो, मतलब पैसा में छिपा हुआ जो ऐसा, उसको क्या बोलते नहीं मालूम, लेकिन वो युद्ध में ऐसा है, तो महात्मा गांधी के इधर में भी वो है बनाया गया, तो बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं मेरे पीछे में वो महात्मा गांधी का, वो अच्छा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे दाई और भाई पूरा हरियाली से भरा हुआ है, तो बहुत ही मस्त है इधर, पूरा हरियाली हरियाली, बहुत ही मज़ा, मतलब हरियाली देख के मतलब मन को फुर्ती, मतलब मन को खुशी ला देते हैं हरियाली, तो बहुत ही अच्छा हरियाली है। और इधर देख सकते हैं समुद्र, ये बहुत ही अच्छा, मतलब इससे भी इधर में समुद्र का वो नज़ारा मस्त है, इधर बगल में हरियाली का नज़ारा बहुत ही मस्त है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए तो बगल में एक में ऊँट दिखाई दिया, ऊँट, तो ऊँट भी इधर में है, ये रियल का नहीं है, ये स्टैचू है, क्योंकि ये पार्क है ना, तो पार्क में तो ऐसा रहने से तो लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए ये ऊँट है, तो मैं पहले देखा शौक गया अरे यार इधर, मतलब कैसा मरुभूमि बन गया क्या ऐसा सोचे थे, लेकिन ये असली का नहीं है। अरे यार मैं तो बहुत ही खुशी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा है, देखिए मतलब ऐसा मैं कभी पहले बार भी देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मतलब मही का दुनिया ही अलग है, मही का इलाका ही बहुत ही अलग है, बीच में समुद्र, उधर बाजू में है बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग सब है, मज़ा आ रहा है यार। तो देखिए पूरा चारों तरफ से हरियाली भला हुआ है और बहुत ही मज़ा है, क्योंकि जहाँ हरियाली है, अगर हरियाली है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है। तो देखिए बहुत ही ऐसा हरियाली है, तो फिर हम लोग का बीच में बहुत ही बड़ा एक पतलू जानवर, आप लोग देखे होंगे इसको जिराफ बोलते हैं, बहुत ही पहले बार देख रहा हूँ
जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था, लेकिन ये असल में तो स्टैचू ही है, मतलब इसको बनाया गया है। तो मैं सोचा था असली है, तो मैं खुश हो गया था देखकर, लेकिन ये असली नहीं है, इसको बनाया गया तो पूरा रियली पता खा रहा है। बहुत ही खुश हो गया मैं, देखा अरे यार मेरा लक अच्छा था, पर सामने से आके देख रहा तो ये असली का नहीं है। तो मैं सोचा कि उसको छू के देखूँ, तो इसे छू के देखा तो ये असली का नहीं था, इसको बनाया गया है। जो भी हो, जीरा तो देखे हैं आप, अपने परिवार के साथ भी आ सकते इस जगह में। और अगर आप लोग, यानी कि जो लोग शादी नहीं हुए उन लोग उसके साथ भी आ सकते हैं। शायद मालूम पड़ गया होगा मैं किसके साथ बोलने जा रहा हूँ। अगर आप लड़का है तो उसके साथ आ सकते हैं, आप लड़के तो उसके साथ आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इधर में बहुत सारा ऐसा कपल देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही खुशी है, मतलब सब लोग आ सकते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे कपल ही ज़्यादा देख रहा था, इसी में बोल दिया, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो ज़्यादातर वैसे लोगों को देखने को मिलता है, तो अच्छा है। तो आप लोग भी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अकेला भी आ सकता है, जब भी मौका मिलते हैं। तो और एक मुझे एक नई चीज़ दिखाई दिया सागर स्मार्ट, मतलब एक क्या है नहीं पता, लेकिन इधर में दिखाई दे रहा है कि सब लोग बना रहा है क्या, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा, ऐसे शायद इंजीनियर लोगों का ही कुछ ऐसा कुछ बना रहा होगा कि समुद्र के तट कैसा बनाना है। अच्छी तरह आप लोगों को दिखाई दिया होगा ऐसा है। फिर इधर में हम लोग का ओल्ड, मतलब पूरा दुनिया बनाया गया है, मतलब ऐसा काफ़ी उतना डर्क नहीं हुआ, डर्क होने से अच्छा से दिखाई देने वाला था, बहुत ही मतलब ये दुनिया है, मतलब वो मैप है, मैप नक्शा है ये दुनिया का, आप लोग दिखाई दे रहा होगा ऐसा मतलब बनाया गया है इस दुनिया को, मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे हरियाली में बनाया गया है, तो बहुत ही मस्त लग रहा है। अगर और थोड़ा शाम होने से अगर लाइट देने से और अच्छा आएगा, तो देखिए ये मतलब दुनिया को इसे हरियाली में बनाया गया, तो बहुत ही मस्त है यार। और ऐसे ही पतलू जानवर सब इससे हरियाली में पड़े हुए हैं, क्योंकि सब तो जीवन इससे ही हरियाली से जीते हैं। मेरे पीछे तरफ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, तो मैं अभी समुद्र के तट पर हूँ, यानी कि दरिया के पास, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही मतलब ऐसे हवा बह रहा है, अच्छा लग रहा है। और सभी लोग अभी इवनिंग वॉक कर रहे हैं, तो अभी मैं शाम के 6 बजे निकला हूँ इवनिंग वॉक के लिए। तो देखिए बने रहे, बहुत ही मज़ा नज़ारा है। देखिए मेरे पीछे तरफ ये है समुद्र, अरब ओशन, उसके बगल में देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो आप लोग भी कभी आइए मुंबई में, मुंबई का बंद्रा में, और देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत और साइड में सड़क है, हाईवे है, तो ऐसा तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आज का वीडियो इतने में ही समाप्त करते हैं, और ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तो आप लोग भी बने रहे मेरे चैनल में, और अगर यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला अपडेट को आप लोग पा सके। तो चले फिर मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय टाटा, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।